सेंट्रल पार्क में शास्त्रीय गायक पंडित उल्हास कशालकर संगीत प्रेमियों से रूबरू हुए। स्पिकमैक के जेडीए और टूरिज्म डिपार्टमेंट के इस साझे आयोजन में कलाशलकर ने संधि प्रकाश काल यानी कि गोधुली बेला के समय गाए बजाए जाने वाले रागश्री को अपनी प्रस्तुति का माध्यम बनाया। ये ऐसा समय है जब मंदिरों में शाम की आरती होती है, इसीलिए इस राग में अधिकतर भक्ति रचनाएं ही गाई जाती हैं। कशालकर ने ऐसी ही बंदिश हरि के चरण कमल के माध्यम से इस राग की भक्ति प्रधान शैली को जीवंत किया। संगीत के जयपुर, आगरा और ग्वालियर घराने का अंदाज उनकी गायकी को एक रस्ता का शिकार नहीं होने दे रहा था। उनके साथ तबले पर सुरेश तलवलकर ने संगत की। जवाहर कला केंद्र में नाटक सूर्य के अंतिम किरण से पहली किरण तक का मंचन हुआ। 1974 में सुरेंद्र वर्मा लिखित इस नाटक का निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी सरताज नारायण माथुर ने किया। 85 साल की उम्र में भी सरताज हर साल नई नई सोच से बड़े कैनवस पर कई नाटकों का निर्माण करते आ रहे हैं। खास बात यह है कि उनके हर नाटक में रंगमंच की नई पौध अभिनय करती है। पुरुष की अपूर्णता को विभिन्न कालखंडों में रखकर अब तक अनेक नाटक लिखे जा चुके हैं। सुरेंद्र वर्मा का ये नाटक भी उसी कड़ी का एक भाग है। इसमें स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर त्रिकोण बनता है। इसमें पौराणिक काल में अस्तित्व में रही नियोग प्रथा के माध्यम से पुरुष की अपूर्णता की स्थिति में स्त्री के स्त्रीत्व के सुख लेने के अधिकार की एक तरह से पैरवी की गई है। सरताज ने इस नाटक में नियोग के बाद रानी के वापस राजमहल लौटने के दृश्य में कथक नृत्य शैली का भी बेहतरीन अंदाज में प्रयोग किया। परंपरा के बने रहने जो एक और नागरिक को विश्वास दिलाती है कि उसका जीवन सहज रूप